दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है, खासकर इस वक्त कराची में जो हालात है कि गन पॉइंट पे स्नैचिंग होती है मोबाइल की, कैश। मैं खुद बैंकर हूं तो मुझे आइडिया है कि लोग किस तरह से चीजें लेके जाते हैं, कैश या कोई भी उनके डॉक्यूमेंट्स। और ऐसी इज्जत आपने, अगर इंसान को भूख लगी और सामने खाना हो जो उसका अपना ना हो तो बड़ा मुश्किल है रेजिस्ट करना। मैं कभी कभी अप्रिशिएट करता हूँ बैंकर्स को, खासकर कैशियर्स को। अरे की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों, मैं डॉक्टर मुईज़ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं अक्सर सोचता था कि जिन कौमों की तबाही का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, अल्लाह ताला ने उन कौमों को तबाह किया उनकी बदकिरदारी की वजह से या उनके आमाल की वजह से। वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। रिश्वत मौजूद है, मिलावट मौजूद है, बेईमानी मौजूद है, झूठ मौजूद है, जुल्म मौजूद है, इंसाफ का ना होना मौजूद है, लेकिन फिर भी आज तक अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर कोई अजाब नहीं भेजा, अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और ये अल्लाह का वादा है कि इस कौम पर अजाब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई वजह थी। तो पता चला कि आज भी इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन पे हमें फख्र है, कि जिसकी वजह से शायद अल्लाह की रहमत आज भी हम पर नाजिल हो रही है। आज मैंने दावत दी एक नौजवान को, उसकी एक वीडियो देखी मैंने, वीडियो देखी मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे खुशी भी हुई कि परवरदिगार मेरे मुल्क में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके शायद माँ बाप की तरबियत, चाहे उनका ईमान दीन से क्या कितना मजबूत से मुंसलिक है कि वो काम करते हैं जो हम सोच नहीं सकते। मेरे पास इस वक्त मीसम नकवी मौजूद है, बैंकर है, नौजवान है, नाथ खाबी है और बहुत खूबसूरत अल्लाह ने उनको आवाज़ दी। उनके साथ एक वाक्या हुआ, मैं चाहूँगा पहले मीसम नकवी उस वाक्य के हवाले से बताएं क्या हुआ उनके साथ और फिर मैं कुछ सवाल करूँगा। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने पास मधु किया। दरअसल ये वाक़ा है तकरीबन 10-15 दिन पहले का। मैं बेसिकली नाथ खान और मनकबत खान भी हूँ, तो मैं एक रिसेंटली एक मिलाद रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो मिलाद से वापसी हो रही थी मेरी। दरअसल होता यह है कि मैं ज़्यादातर जो है वो अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बाइक पर ही सफ़र करता हूँ, तो मैं घर के पास आया, रोड हमारा लसबेला का ब्रिज जो है वहाँ पे एक मुझे एनवलप जो है वो मुझे लगा कि कुछ इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसमें जो कीमती चीज़ें। मैं ख़ुद बैंकर हूँ तो मुझे आइडिया है कि लोग किस तरह से चीज़ें लेके जाते हैं, कैश या कोई भी उनके डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने उठा के वो अपनी बाइक पे रख लिया और मैं घर पे आ गया। अच्छा, मुझे ये आइडिया था 100% कि इसमें या तो कोई कैश है या तो किसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो वो उसको जब मैंने खोल के देखा तो उसमें 1 लाख तकरीबन अमाउंट थी और उसमें 4 पासपोर्ट्स थे, जिसमें 3 पासपोर्ट जो थे वो इंडोनेशियन थे और 1 पासपोर्ट कोरियन था। तो उस पे कोरियन का जो पासपोर्ट था वो किस कोई पंजाब के कोई हजरत है, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनको जो है उनका नंबर भी उस पे मेंशन हुआ हुआ था, लोकल नंबर। उस पे मैंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी दिन तक लगा रहा, ऑफिस से भी करता रहा, एक हमारे ऑफिस में भी साहिब होते हैं उनसे मैंने करवाई कांटेक्ट, लेकिन उनसे कांटेक्ट मेरा नहीं हो पाया। इन दी एंड ये हुआ कि मैंने कुछ दिन छोड़ दिया, मैं मसरूफ़ हो गया। उसके बाद मुझे फिर थोड़ी सी वो हुई कि मैंने कहा यार ये इतनी किसी की अमानत मेरे पास पड़ी हुई और पता नहीं किस वजह से, क्या मजबूरी होगी, किसकी किस तरह से ज़रा ज़रूरत पड़ रही होगी। फिर मैंने उस पर ट्राई किया। अब जब मैंने दोबारा ट्राई किया तो वो उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ और उनसे मैंने कहा कि मैं आपको काफ़ी टाइम से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बनवा लिया है पासपोर्ट, ये जो है मेरे दोस्त के जो है वो बीवी और बच्चों के पासपोर्ट हैं, तो जो वो लियारी में कहीं पर उनकी रहाइश है,
आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ। अब वो उन्होंने उनको मेरा नंबर दे दिया, मेरे पास उनकी कॉल आई, तो वो बहुत ही शरीफ इंसान थे, आरिफ नाम था उनका, जिनकी वाइफ और बच्चों के पासपोर्ट थे। उनको मैंने जो है वो एक जगह पे बुलाया और उनको मैंने वो सारी चीज़ें जो है उनके हैंड ओवर की। अच्छा, बेसिकली ये हुआ ये था कि ये उनसे तो मिसप्लेस नहीं होता, ये इन्होंने एक ट्रैवल एजेंट को, उन्होंने उम्रे पे जा रहे थे वो, उसके लिए वीज़ा लगवाने के लिए दिया था। तो अब मेरे ये दिमाग में था कि यार जब उम्रे का उन्होंने मुझे बताया कि यार उम्रे के लिए जा रहे थे, तो मेरा मैं ख़ुद भी एक काफ़ी मुझे अंदर से मुझे अफसरदा हो गया कि यार ऐसी ज़्यारत पे वो जा रहे थे, और मैं भी ख़ुद भी ज़्यारतों पे जाते रहता हूँ, नाते और मनकबत पढ़ने का सिलसिला रहता है मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी एक वीडियो बनाऊँगा, और जो है वो ये एक पॉजिटिव पैगाम है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कराची में आए दिन, और हमें खुद अपनी जानों का ख़तरा होता है, हम कभी बाइक पे जा रहे होते हैं, फ़ोन पे बात करते हुए कॉल आ जाती है, तो डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से कोई आ जाए। तो मैंने कहा कि यार मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मुझे तो यकीन माने कि मैं एक दो रात तो बाकायदा उठ गया कि यार मेरे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, मौलाना कैसा इम्तहान में मुझे डाला। तो मैंने खैर जब रबता हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया उनका, वो बहुत ही मुझसे खुश हुए। और फिर मैंने कहा कि एक पॉजिटिव मैसेज है ये, एक तरह से जाना चाहिए। तो मेरा सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे एक पेज मैंने बनाया है मीसम नकवी के नाम से, तो उस पर मैंने डाला, तो ये आप तक आई थिंक वीडियो पहुँची होगी। उसके बाद एक तो दोस्तों बड़ी अजीब सी बात है, खासकर इस वक्त कराची में जो हालात है कि गन पॉइंट पे स्नैचिंग होती है मोबाइल की, कैश की, और फिर जो नई खबरें हैं वो अजीब व गरीब है, वो ये कि गोली भी मार देते, शूट भी करते हैं, और उसमें एक शख्स का बिल्कुल अपोजिट के उसको 1,00,000 रुपए के लगभग रकम मिली, पासपोर्ट मिले। अच्छा, इन पासपोर्ट की भी बड़ी वैल्यू होती है, ये तस्वीर चेंज हो जाती है, और उस मुल्क का जो पासपोर्ट है उसमें आप नहीं सफ़र कर सकते, किसी और मुल्क में सफ़र कर जाते हैं, और फ़ोटो चेंज हो जाती है, और वो पासपोर्ट की कीमत भी लाखों में होती है। मुझे याद है एक दफ़ा कुछ साल पहले की बात है, उरूज का पासपोर्ट हमने दिया हुआ था जिसपे अमेरिकन वीज़ा था, यूके का वीज़ा था, और वो पासपोर्ट खो गया था। अच्छा, मेरी एक आदत थी कि मैं पासपोर्ट की कॉपियां और वीज़ा की कॉपियां अपने कंप्यूटर में रखता हूं, हमेशा से आदत थी। वो जब खो गया तो उसके बाद नहीं मिला हमको, मगर उन कॉपीज़ की वजह से नया पासपोर्ट नया वीज़ा इशू हो गया। और कई साल पहले मैं अमेरिका से आया था, ये 82-83 की बात है, और कुछ महीनों के बाद मेरा पासपोर्ट खो गया था जिसमें अमेरिकन वीज़ा था। मुझे कुछ दिनों के बाद एक शख्स ने फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं 1,00,000 रुपये लूँगा पासपोर्ट लेने के। ये 83-84 की बात है, आज 20,00,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू है अगर आपकी पासपोर्ट पे अमेरिकन वीजा हो, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो इस शख्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, 1,00,000 तो कम है, जो पासपोर्ट की कॉस्ट थी वो कुछ और है, कोरियन पासपोर्ट, इंडोनेशियन पासपोर्ट, बड़ी कॉस्ट है, 20-25-30 लाख की गेम थी। और इन्होंने उनको बुला के, अच्छा इन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद भी नहीं आई क्योंकि एक जिम्मेदारी थी। तो मेरे ख्याल में ये तरबियत है माँ बाप की, क्या चीज है आपकी के आपने इतनी बड़ी रकम जाने दी। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में इस तरह होना, खैर नेक लोग अभी भी हैं, करते हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मगर आपकी क्या माँ बाप की तरबियत थी? जी डॉक्टर साहब, दरअसल यह है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रे जिक्र करते हैं, और फैमिली में भी ये सिलसिला ज़रे चलता आ रहा है। और सबसे बढ़ के मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि मैं ज़रे एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हूँ, बैंकिंग के शोबे से, तो जहाँ पे लोगों की अमानतें जो हैं वो सपोर्ट की जाती हैं लोग, और ज़रे ये सारी चीज़ें तो बहुत मतलब हमारे सामने, तो जब अभी तो मैं हेड ऑफिस में होता हूँ, ब्रांचेज में जब थे तो कैश ज़रे आंखों के सामने होता था, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा। और हमारे जो बॉसेस हैं या हमारे जो सेठ हैं बैंक के, उनकी जो है ये सारी लेगेसी है जिसको हम भी लेके चल रहे हैं, बाकी फैमिली की जाहिर सी बात है बैकग्राउंड है जिसको लेके चल रहे हैं। बस दिमाग में कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई कि अगर मैं उनसे भी, मैंने वीडियो में भी ये बात कही कि यार ये तो 1,00,000 की अमाउंट थी। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात यहाँ पे और बताऊँ कि जब मैंने उनको पासपोर्ट की बात की फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझसे कैश की बिल्कुल भी बात नहीं की। जाहिर सी बात है वो तो ट्रैवल एजेंट से के पैसे थे, उनके पैसे नहीं थे वो। उन्होंने कहा कि यार मेरे जी पासपोर्ट है, वो कोई उन्होंने बात नहीं की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कोई जिक्र नहीं कर रही है। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें कि जिनके जिससे गिरा है ना ये सामान, तो उनसे आप पूछ लें एक दफ़ा और कि, और तो इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सच्ची बताऊं, उन्होंने मुझसे कहा है, मुझे नहीं पता जा रहा उनको पासपोर्ट से अपने मतलब था, उन्होंने कहा मैं आपको सच्ची बताऊं, उन्होंने मुझे कहा है कि इसमें जो है वो अराउंड 1,00,000 रुपये तक जो है वो अमाउंट थी। मैंने कहा चलें तो फिर आप एक काम करें, आप उनको भी साथ में लेकर आइए। तो वो भी मेरे पास, जी वो भी मेरे पास। देखिए बड़ी अजीब सी चीज़ है दोस्तों, अगर इंसान को भूख लगी और सामने खाना हो जो उसका अपना ना हो, तो बड़ा मुश्किल है रेजिस्ट करना। मैं कभी कभी अप्रिशिएट करता हूँ बैंकर्स को, खासकर कैशियर्स को,
टेलर्स जिसको कहते हैं बाहर मुल्कों में, कि जी उनकी तनख्वाह तो वाजिबी होती है, घर के मसाइल भी हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी है और बड़े मसाइल हैं, और करोड़ों का कैश उनके पास आता है, मगर देखें नज़र नहीं उठाते उसके ऊपर। ये किरदार की बात होती है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मीसम को और उस जैसे लोगों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि जो हक हलाल की खाते हैं चाहे कितनी भी तकलीफ हो ज़िंदगी में, मगर ये जो तरबियत है माँ बाप की या जो ईमान है इनका, अल्लाह ताला इस ईमान को सलामत रखे, हम सबको भी तौफीक दें कि हम अपनी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए जहाँ किसी की अमानत हमारे पास आ जाए तो हम उस अमानत को वापस दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कही गई है वो है कि सादिक और अमीन थे, लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे इस यकीन के साथ कि कभी खयानत नहीं होगी। तो जाहिर है नबी के मानने वाले हैं, नबी के मानने वालों का मतलब पता है क्या है, जो अमानत आपके पास, अब अमानत सिर्फ पैसा नहीं होती, अमानत बहुत सारी चीज़ें होती है, अमानत किसी का राज भी होता है, किसी की कमज़ोरी भी होती है, उसकी भी हिफाजत करनी है। आज इस मुल्क में दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, अमानत तो बहुत बड़ी बात है, अगर IMF ने पैसा दिया तो वो अमानत इस कौम के लोगों की थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, स्कूल बननी थी, कॉलेजेस बननी थी, अस्पताल बने थे, सड़कें बननी थी, उस अमानत में 30 साल में कितनी खयानत हुई। खैर, एक तो इनका शुक्रिया आ जाए इतने दूर से हमारे पास, और कल हम फिर सफ़र पे हैं मैं और रूज, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जो लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं 28, 29, 30 को हम इस्लामाबाद में होंगे, हिप्नोसिस हो रहा है, कोशिश करें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ जहाँ एक आपका ज़मीर था एक आपकी नफ्स थी, इसके दरमियान जो आपका जंग चली कि नफ्स ने कहा ये, ज़मीर ने कहा ये, देखिए ज़मीर जो है उसका ताल्लुक आपकी तरबियत से है, आपके ईमान से है, और जो नफ्स है वो तो चाहती है ज़िंदगी में जो मुझे मिले बेहतर से बेहतर ज़िंदगी, और हलाल हराम का फ़र्क नफ्स नहीं समझती। तो ये जंग अक्सर लोगों की ज़िंदगी में सारी उम्र चलती रहती है। मैं ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग देता हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि वो मुझसे शेयर करते हैं कि जी हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर हमने अपनी नफ्स की बात नहीं मानी, अपने ज़मीर की बात मानी। तो कोशिश कीजिएगा कि नफ्स के ऊपर हावी करे अपने ज़मीर को, अपने ईमान को। दोस्तों, चूँकि आज मौका अच्छा है, मीसम हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है और उम्मती है नबी के, तो एक कलाम के एक दो शेर सुना दीजिए जी। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब, मैं बस एक कलाम जो मैंने 2013 में पार्टिसिपेट किया था समा चैनल पे, तो उसमें वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी जिसमें हमजद साबरी मरहूम ने, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, सब ने बड़ी अप्रिशिएट किया था और उसी कलाम से काफ़ी शोहरत भी मिली थी। तो उसी कलाम से बस एक शेर उन लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ जो आज भी किसी एक छोटे से मोबाइल के लिए लोगों को मार देते हैं और ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके जो है वो क्या क्या कितने लोग उनके मुंतज़र होंगे। तो बस वो एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ, एक कलाम का समात फरमाइएगा। या मोहम्मद, और शेर समाप्त होगा।
कि देख अरे देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। अरे देख अब भी वक्त है, दामन अली का थाम ले। अरे वरना कल मैं शर में होगी, ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। अपने ख्याल रखिएगा, आबाद रहे, शाद रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद।